जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक शेयर को लेकर। राजीव जी, जरा पीएनबी पर व्यू दीजिए, क्योंकि पीएनबी लगातार गिरने के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आज रिकवरी दे रहा है। इस रिकवरी को क्या निकलने के लिए इस्तेमाल करें, या फिर आपको लगता है कि जो थोड़ा सा डाउन टर्न आया था 83-84 रुपए के लेवल से, अब फिर से स्टॉक रिकवर करके उस स्तर को कैचअप करने की कोशिश करेगा? तो देखिए अभिषेक जी, ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्तों की एक तेजी के बाद स्टॉक ने लास्ट 2 वीक में एक करेक्टिव मूव दिया। वापस यहाँ पे एक पुलबैक का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, जैसा कि स्टॉक में जो ब्रेकआउट बने थे वो ब्रेकआउट अभी भी इंटैक्ट है, और हम ये मानते हैं कि जब तक ये स्टॉक 70 रुपए के नीचे नहीं फिसलता वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट पे हुए, ये दर्शाता है कि 85 से 90 रुपीज तक की भी इसमें पोजिशनली अगर कोई होल्ड करते तो यहाँ पे तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो व्यू हमारा बुलिश है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस छोटे रखेंगे, 73 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, और अपसाइड में 78 के आसपास स्टॉक आता है तो वहां प्रॉफिट भी बुक करेंगे। ठीक है, बीटीएसटी ट्रेड्स आप पीएनबी ले सकते हैं।